हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नया सीखेंगे और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और हम देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक के अंदर क्या क्या है। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपना कोर्स आउटलाइन खोल लेता हूँ। उस कोर्स आउटलाइन के अंदर हम लोगों ने जो सी पैनल का जो कोर्स था हमारा, उसके अंदर पार्ट वन के अंदर हमने फाइल्स के बारे में पढ़ा, फाइल्स मैनेजर। पार्ट टू के अंदर हमने पढ़ा, दूसरा ऑप्शन था हमारा डेटाबेस, तीसरा ऑप्शन था हमारा जो हमने पढ़ा प्रेफरेंस, और उसके बाद चौथा ऑप्शन आज हम पढ़ेंगे ईमेल्स। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और इस ऑप्शंस के अंदर हम लोग अब चलते हैं जो ईमेल्स का ऑप्शन है। ईमेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि ईमेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पार्ट फोर है, और इसके अंदर से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। तो ईमेल्स के अंदर हम लोग पहले जो है दो चीज़ें पढ़ेंगे, अकाउंट्स और ऑटो रिस्पोंडर। फॉरवर्डिंग के अंदर ईमेल अकाउंट्स और ऑटो रिस्पोंडर के बारे में आप लोगों को अभी बता रहा हूँ डिटेल में, लेकिन मैं बाकी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फॉरवर्डिंग के अंदर ये होता है कोई भी ईमेल फॉरवर्डिंग होती है, मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। फॉरवर्डिंग होती है और उसके बाद फॉरवर्डिंग के अंदर जितनी भी डोमेन्स की ईमेल्स आती हैं वो सारी फॉरवर्ड हो रही होती हैं। उसके बाद ईमेल राउटिंग, ईमेल लिस्ट, सारी लिस्ट, ग्लोबली ईमेल फिल्टर, ईमेल फिल्टर, एड्रेस इम्पोर्टर। अगर हम फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग अपनी चेंज करते हैं तो ये इस वो एड्रेस इम्पोर्टर को क्लिक करते हैं, सारी इम्पोर्ट हो जाती है, फिर यहाँ के एक्सपोर्ट कर देते हैं। स्पैम फिल्टर, कोई भी स्पैम वगैरह तो कोई नहीं कर रहा ईमेल के थ्रू, कोई हमें कोई हैक तो नहीं करना चाहता ईमेल के थ्रू। उसके बाद इनक्रिप्शन, बॉक्स ट्रैपर, कैलेंडर कॉन्टैक्ट या ईमेल डिस्क यूजेज। ये बाकी ऑप्शन तो हमारे फिलहाल किसी काम के नहीं। जो ऑप्शन मेन मेन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें, ईमेल डिस्क यूजेज के अंदर हम आ जाते हैं और हम देखते हैं हमारी ईमेल का डिस्क यूजेज कितना हुआ है। इस टाइम देख लें 31 KB को इस्तेमाल है, क्योंकि ईमेल तो हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। 10 मैसेजेस आए हैं और उसके अलावा सब बाकी सब खाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना ईमेल एक क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा ईमेल जिसको हम कहते हैं कि बेहतरीन ईमेल जो कि क्रिएट करेंगे। अब हम सबसे पहले अपनी डोमेन सर्च करें, किस डोमेन से हमें ईमेल बनानी है। जस्ट लाइक मैंने अहमद एट द रेट ऑफ क्रिएटर अकेडमी डॉट कॉम ये ईमेल बनानी है। इसका पासवर्ड जनरेट किया मैंने, पासवर्ड जनरेट करने के बाद इसका कोटा सेट किया, 500 MB का डेटा रखना है या अनलिमिटेड, मैंने अनलिमिटेड कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि क्रिएट पर दबा दिया। बिल्कुल वेरी सिंपल है, हमने जैसे क्रिएट पर क्लिक किया हमारी एक ईमेल अहमद एट क्रिएटर अकेडमी डॉट कॉम के नाम पर एक ईमेल बन गई है। अब हम चलते हैं ईमेल अकाउंट्स के अंदर। यहाँ बताएगा ईमेल अकाउंट्स जो है ये एक है, और एक्सिस वेब भी दे सकते हैं। डिस्क कोटा कितना है इसका, मैनेज सस्पेंशन और पासवर्ड का चेंज वगैरह, कनेक्ट डिवाइसेस और ये फला फला। हम एक्सिस को इस्तेमाल करेंगे, एक्सिस वेब को, और इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन किस किस को दिया हुआ है, एवरी सी पैनल अकाउंट इंक्लूडिंग सिस्टम मैनेजिंग, ये कोई भी आप लोग सिस्टम से मैनेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं ईमेल। और हम लोग आते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अक्सर हम अपने मोबाइल के अंदर जब अकाउंट्स की सेटिंग में जाते हैं, अकाउंट्स की सेटिंग में जाके वहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ईमेल एड्रेस के बाद नीचे लिखते हैं कि कौन से सर्वर से, इनकमिंग, आउटगोइंग सर्वर, और पॉप अप है, फलां फलां, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो हमारे पास जो हमने, इसको मैं बैक करता हूँ और इसको भी बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये हमारे पास एक्सिस ईमेल कोटा और ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया ऑप्शन। उसके बाद डोमेन हमारी ये है। अब हम चाहते हैं ईमेल अहमद एट क्रिएटर अकेडमी डॉट कॉम, ये हमारी ईमेल एड्रेस है। अब ये ईमेल एड्रेस नॉर्मली ईमेल नहीं खुलती, इसका अपना एक ईमेल बॉक्स होता है। आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को और नॉर्मली इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने एक्सेस को क्लिक किया तो यहाँ पर तीन हमारे पास सर्वर आ गए, हॉर्ड, राउड कोव और ये SQIRREL मेल, ये तीन है। इसमें से कोई सा भी एक तीनों में सर्वर सेलेक्ट कर लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये सिलेक्ट कर लें। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया और इसको आप ओपन करें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप किसी को भी ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी ईमेल्स आप लोगों को मिलेंगी अहमद एट क्रिएटर अकेडमी डॉट कॉम।
ये आ गया। और उसके बाद ये देखते हैं न्यू ईमेल, ये सारा बॉक्स इनबॉक्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। अभी ये देखें सी पैनल की एक खुद की एक कॉन्फ़िगरेशन की ईमेल आ गई है। अब मैं एक न्यू ईमेल सेंड करता हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। मैंने न्यू ईमेल को क्लिक किया, न्यू ईमेल को क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूँ सेंड टू के अंदर वो लिखता हूँ, या टू के अंदर वो ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, क्योंकि तो अपने आप को ही आ जाएगी जीमेल की। ट्रेनिंग मैक्स DIFFERENCE@gmail.com, ठीक है। सब्जेक्ट हाई, उसके बाद कोई भी अगर आपने चीज़ से अटैच करनी है ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट मेल मैंने लिखा और उसके बाद इसको मैंने सेंड कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा फाइल को, ये होगी ईमेल सक्सेसफुली सेंड, सेंड आइटम के अंदर यहाँ पर ईमेल आ गई होगी, ये आ गई हाय के। अब हम चलते हैं जीमेल के अंदर अपने, और जीमेल के अंदर जाके देखते हैं कि क्या ईमेल हमारी आ गई है उसके अंदर। अभी हमें पता लग जाएगा हमारी ईमेल आई है कि या नहीं। तो अब हमारी जीमेल ओपन हो गई है। जीमेल के बाद देखें अहमद के नाम से एक ईमेल आई हुई है और उसको टेस्ट मेल को मैंने क्लिक किया, और अब आप खोल के देख सकते हैं कि अहमद की एक ईमेल टेस्ट मेल आ चुकी है। अब मैं इसको रिप्लाई करता हूँ ईमेल को, यस ओके डन। अब देखें आप, ये मैंने सेंड किया जीमेल से ahmed@creatoracademy.com पे जाके, ये मैंने जैसे ही इसको रिप्लाई किया, तो अब मैं वापसी अपने सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ जाके इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ ये सेंड हो गई यहाँ से, अभी हो रही है और ये सेंडिंग हो रही है अभी, मैसेज सेंड। अब हम आ जाते हैं वापसी ईमेल पे, इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी हमारी वहाँ से ईमेल यहाँ पर आ जाएगी जीमेल से, ठीक है। तो ये है हमारा एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोगों ने एक न्यू ईमेल क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ईमेल सेंड की और वहाँ से ईमेल बस आने ही वाली होगी, क्योंकि अनदर सर्वर से ईमेल आ रही है, तो मे भी हो सकता है टाइम लगे। ये आ गई हमारी हाय की रिप्लाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं और ईमेल को क्रिएट करने के बाद अपनी अच्छे से ईमेल बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी care.ptcl.net, इस तरह से PTCL वालों के एक स्टैंडर्ड एक वेबसाइट है, एक नाम है उनका PTCL का, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का .net.pk, ये हमारी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वालों की ईमेल एड्रेस है। तो इसी तरह से आप लोग भी contactus@creatoracademy.com जो भी डोमेन आपकी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह के कोई भी अबाउट की डाल सकते हैं, या फिर हेल्प की डाल सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म की ईमेल बना के आप लोग बना के डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला हमारा ऑप्शन ये क्लियर हो गया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ। ऑटो रिस्पॉन्ड, अब ऑटो रिस्पॉन्ड क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ईमेल पर, जैसे लाइक मैं यहाँ पर मैंने जीमेल खोली, जीमेल खोलने के बाद मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल PTCL वालों को ईमेल करता हूँ मैं, या किसी भी वेबसाइट वालों को ईमेल करता हूँ, तो डायरेक्टली वहाँ से एक रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी कंपोज करके ईमेल एक सेंड करूँगा, फौरी रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई कोई बंदा नहीं करता, वो ऑटो जनरेट ऑटो रिस्पॉन्डर रिप्लाई होता है। जस्ट लाइक मैंने लिखा care@ptcl.net.pk, ठीक है। अब मैंने लिखा हाय और मैंने इसको सेंड कर दिया। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ ईमेल को, सेंड होने के फौरन बाद PTCL वालों का ऑटो रिस्पॉन्डर उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ से ईमेल रिप्लाई में आ जाती है ऑटोमेटिकली, या मैं कोई कंप्लेन करता हूँ तब भी उनकी ईमेल ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर मौसूल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ ईमेल, अभी थोड़ी देर में उनकी वापसी रिप्लाई में आ जाएगी, तो वही ऑटो रिस्पॉन्डर हमारा काम कर रहा होता है। तो अब हम उसको मैनेज करते हैं, ऑल डोमेन से मैनेज करना है, ठीक है, ऑल पे कर दें, ऐड ऑटो रिस्पॉन्डर। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आ जाते हैं हम नीचे, अभी इसमें ऐड करते हैं अपनी ईमेल एड्रेस। ये बता रहा है कि इस सर्वर से इंटरवल हमारा कितने, एक घंटे बाद रिस्पॉन्स आए, ईमेल एड्रेस क्या है हमारी ahmed@creatoracademy, यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करें अपनी किस डोमेन के लिए है, फ्रॉम कहाँ से है, अगर उनको रिप्लाई में कौन सी ईमेल जाए वो यही लिख दें, सब्जेक्ट में लिखते हैं थैंक्स, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेंट
रिगार्ड अहमद अली या फिर रिगार्ड एट द रेट अहमद एकेडमी, और इमीडिएटली स्टार्ट हो, नेवर स्टॉप हो, क्रिएट मॉडिफिकेशन पर क्लिक करने है, क्या बता रही है, यू कैन यूज लेटर नंबर, लेटर नंबर टिप दे रहा है कि ये लेटर नंबर, अच्छा ये हटा देना है, ये अब लिखना है, ठीक है, क्रिएट कर देना है आपने, ठीक है। ये आपकी एक रेडी हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, अहमद एट क्रिएटर एकेडमी वाज सक्सेसफुल। अब इस अहमद एकेडमी को कोई भी बंदा ईमेल करेगा तो रिप्लाई में क्या आएगा अभी आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ईमेल की थी हाय की, ये देख सकते हैं आप, ये उन्होंने ऑर्डर नंबर भी दे दिया खुद ब खुद, थैंक यू फॉर यूर मेलिंग लाइव फला 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 सारा कर दिया, ठीक है। अब मैं कंपोज में जाता हूँ, अब दूसरा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, हाय लिखा और मैंने सेंड किया अहमद एकेडमी को। अब देखते हैं कि क्या हमारा अपनी ईमेल का केयर एट पीटीसेल वालों का तो जैसे रिप्लाई आ गया ऑटो रिस्पॉन्डर का, अब हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर का रिप्लाई आता है या नहीं। जैसे ही वहाँ ईमेल डिलीवर्ड होगी यहाँ पर ईमेल आ जाएगी और जो जो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर में ऐड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर, थैंक्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये है हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर और इसको हम इस्तेमाल करते हैं और आप भी इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, उसमें फिर नई कोई चीज़ सीखेंगे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।